विश्वेशमदेहि मे गृहजाम सुखम बोलिए साची पार्वती पदय हारा। औरों के लिए असंभव लगता हो भारत का खंड होना, हिंदू राष्ट्र होना, औरों के लिए असंभव लगता हो, मेरे लिए कोई असंभव नामक चीज होती नहीं है। भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने के संकल्प के साथ पूरी पीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी 16 मार्च को राजधानी रांची के हरमू मैदान में विराट धर्म सभा में अपना आशीर्वचन देंगे। आप तमाम सनातन धर्मावलंबी इस विराट धर्म सभा में उपस्थित होने का सौभाग्य प्राप्त करें। निवेदक आदित्य वाहिनी झारखंड प्रदेश 16 मार्च दिन गुरुवार समय संध्या 4 बजे। पूरे विश्व में घूम करके और हिंदुओं को जगा रहे, सनातन धर्म प्रेमियों को जगा रहे हैं। तो इस निमित्त गुरुदेव पिछले 1.5-2 सालों से पूरा भारत का भ्रमण कर रहे हैं और एक साल में करीब 290 दिन ये भ्रमण करते हैं। आज इस बार बहुत बड़ा हमारा भाग्य का विषय है कि झारखंड की धरती पे गुरुदेव आ रहे हैं और 2 सभाओं में जो झारखंड वासी हैं उनको वो संबोधित करेंगे इन विषयों पर। लोहरदगा जिले में संचालित योजनाओं को गति देने के लिए जिला प्रशासन की ओर से लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। उपायुक्त प्रसाद कृष्ण बागमारे ने जिले में कई कार्यस्थलों का औचक निरीक्षण कर योजनाओं की प्रगति को लेकर निर्देश दिए हैं। वहीं सांसद धीरज साहू ने स्वर्गीय बलदेव साहू कॉलेज में हो रहे खेलों के मैदान से युवाओं को लाभ होने का दावा किया है। हम लोगों ने विक्टोरिया जो तालाब है उसका जीर्णोद्धार हुआ था, उसमें भी 4 बोर्ड का प्रावधान था, तो जीर्णोद्धार का कार्य लगभग कंप्लीशन में है। थोड़ी मोड़ी जो काम है वो बची हुई है सजावट का, तो एक सैराट भी हमारे हैं। और जैसा कि आपको पता है कि नगर परिषद जो है अपने आंतरिक राजस्व से ही यहाँ के जितने भी कर्मी होते हैं और जो भी साफ सफाई से लेकर अन्य जो कार्य होते हैं वो अपने आंतरिक राजस्व से ही करती है, तो उसी के आलोक में हम लोगों ने आय को बढ़ाने के लिए बोटिंग का भी शुरुआत किया है। और बोटिंग में भी कुछ नियम शर्तें लागू की गई है कि जो बच्चे हैं उनको बोटिंग से प्रति सेध किया गया है और लाइफ जैकेट मस्ट है, जब भी बोटिंग में जाएंगे तो उनको लाइफ जैकेट पहनना अनिवार्य है। और संपेदक के ऊपर उस पर इकरारनामा की जो शर्तें हैं उस पर ही सारी चीज़ लागू कर दी गई है। और कोई भी घटना दुर्घटना होती है तो उसके टिकट के पीछे भी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, तो एक अच्छा है। और हम लोग आने वाले दिनों में इसमें कुछ और अन्य सुविधाओं के बारे में भी सोच रहे हैं, जैसे छोटा एक क्रूज के बारे में भी सोचा जा रहा है, हो सकता है आने वाले दिनों में इसका भी पालन किया जाए। देखिए हम लोग चाहेंगे कि शुभ दिन देख करके और इसको उद्घाटन कराने का एक डेट फिक्स करेंगे, और चूँकि अभी बहुत कुछ होना बाकी है और अभी सामान था, चाहे राइफल हो, पिस्टल हो और इलेक्ट्रॉनिक टारगेट हो, आप सामने देख रहे होंगे कि सामने इलेक्ट्रॉनिक टारगेट लग रहा है, यहाँ हथियार भी आ गया है, एयर गन आ चुका है, एयर पिस्टल भी आ चुका है, तो आप बहुत जल्द इसको हम लोग शुरुआत करने की स्थिति में हैं और इसकी तैयारी ज़ोर शोर से चल रही है। मिनी लंदन मैकलुस्कीगंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।